हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो शाम का टाइम है और यहाँ पर मैं कर रही हूँ शाम के खाने की तैयारी और जल्दी ही लग गई हूँ, लगभग 6:30 बजे के करीब। और तन्मय भी यही है मेरे पास, मैं उसको बोल रही हूँ जाओ अपना रिवाइज कर लो थोड़ा सा और मैं आके सुनूंगी। लेकिन बच्चे क्या बोलते हैं, हाँ, याद है, सुन लो, आ जाओ सुन लो, तो वो यही करे जा रहा है। तो मैं बोल रही हूँ उसको, बेटा जब मैं सुनने बैठूंगी ना, नहीं याद निकला तो अब बताऊँगी मैं। तो वो बस बोल ही जा रहा था, नहीं नहीं याद है ये वो, और वो पूछ रहा है क्या बन रहा है, वो ज़रूर पूछता है तो रोज़ाना। यहाँ पर मैं छोले रख रही हूँ, बस मैंने भिगो दिया था उनको दोपहर में, तो अभी पानी से निकाला एक बार और चढ़ा दिया है उसके बाद गैस पे। और इसमें मैं डाल दूँगी हल्दी और नमक, और साथ में मैं 1 चम्मच घी, तेल, रिफाइंड कुछ भी डाल दूँगी। और हाँ, आप लोग बोल रहे थे कि हाँ रश्मि, हटा दो रिफाइंड को अपने किचन से जल्दी, तो बस वो ख़त्म हो जाए जितना ला रखा है, क्योंकि अब उसको फेंक भी नहीं सकते हैं ना। एक औरत तो बहुत अजीब सी होती है, वो चीज़ें वेस्ट नहीं करती है बिल्कुल भी। अगर वो चीज़ बिल्कुल सही है, बढ़िया है, यूज़ करने लायक है, तो रिफाइंड तो अच्छा भला चंगा है, उसको कैसे फेंक दूँ। तो इस वजह से तो अभी जो लाया हुआ है वो ख़त्म हो जाए फिर उसके बाद। और बाहर आकर बैठ गई हूँ और यहाँ पर मैं काट रही हूँ बैंगन। बैंगन हमारे घर में काफ़ी बनने लगे हैं, क्योंकि हमारे घर में ये बैंगन जो है बच्चों को बहुत पसंद आ रहे हैं। मतलब वो बैंगन नहीं खाते हैं, लेकिन वो आलू बैंगन के आलू बहुत स्वाद लगते हैं उनको। हर तीसरे दिन उनसे पूछो क्या बनना है, आलू बैंगन या फिर मैगी। मैगी का बहुत रहता है बच्चों को। तो यहाँ पर बस मैंने कहा चलो बाहर बैठ के काट लेती हूँ, यहाँ पे रोशनी अच्छी भी थी, थोड़ा सा बैठना भी हो जाता है किचन में, खड़े 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 थोड़ा सा मन करता है कि चलो बाहर बैठ के काम करूँ। लेकिन यहाँ पे बैठ के बस ये होता है, अभी बच्चों को बुलाओ, ये कर दो वो कर दो, तो बच्चे तो चिड़चिड़ा ही जाते हैं, या तो सारा सामान लेकर बैठो। काश बाहर चूल्हा होता ना, यहाँ पे मैं बैठ के बनाती, पर मेरे को चूल्हा वूल्हा जलाना नहीं आता। सच बताऊँ तो अच्छे से यूज़ करना भी नहीं आता है। जो लोग परफेक्ट होते हैं उनको अच्छे से आता है ना यूज़ करना, वैसे मतलब। तो बैंगन काट के लाई बाहर से, किचन में आके आलू वगैरह काटे, धोया, प्याज वगैरह काटा, और उसके बाद अभी मैं यहाँ पे आलू बैंगन को छोंक रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये आलू बैंगन को मैं छोंक चुकी हूँ बढ़िया तरीके से एकदम। ये देखिए, अभी मैं इसको चला के देख रही थी एक बार, तो अभी ये पके नहीं है, 50% बोल सकते हैं हो चुका है। तो मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिया है। जब भी टमाटर मैं इस तरह से आलू बैंगन में डालती हूँ, मुझे आप सबकी याद आ जाती है, क्योंकि आप सबने ही मुझे ये आदत डाली है कि रश्मि टमाटर डाला करो बैंगन में। और सच में अब इनके बगैर अच्छा नहीं लगता है मुझे। तो यहाँ पे मैं छोले चेक कर रही थी कि हुए कि नहीं हुए, वैसे तो मुझे पता है कि हो ही गए होंगे, लेकिन फिर भी एक बार मैंने कहा चलो चेक कर लेते हैं। तो ये दो तरह के छोले थे, तो एक तो मतलब थोड़े से मोटे हो गए हैं, एक हल्के से छोटे से रह गए हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे जो है थोड़ा सा किचन भी फैला हुआ है। जब भी किचन में कुछ बनता है ना, तो किचन फैला हुआ होता ही है, और जब किचन समेटा हुआ होता है तब मैं किचन में आती नहीं हूँ आप लोगों को दिखाने, तो इसलिए कुछ लोगों को लगता है रश्मि किचन आपका फैला रहता है ये वो। तो मैं खाना बनाते वक्त ही आती हूँ, तो इसलिए आपको वो फैला लगता है। अब मैं आपको समेटा हुआ दिखाऊंगी, किसी दिन पूरा दिन समेटा हुआ तो रहता खाना है। बनाते हैं तो किचन फैल ही जाता है, सभी का फैलता है। तो बस यहाँ पे मैं ना रायता भी बना रही हूँ फटाफट, मैं बस लगी पड़ी हूँ इधर की साइड ये, उधर की साइड वो, उधर की साइड वो। मेरे को आज बड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि आज मैं गुड्डू के लिए बना रही थी स्पेशल। हमेशा तो ये होता है ना कि कुछ है तब बना रहे हो, या फिर मतलब बनाना ही है तब। तो यहाँ पे मैं मसाला कर रही हूँ, प्याज वगैरह ग्रेटर में कर रही हूँ, मेरा चॉपर ख़राब हो चुका है। और यहाँ पे ये कढ़ाई रख दी गैस पे, छोले छोंक रही हूँ मैं। अब जीरा डाला, हींग डाला, उसके बाद जो भी हमने ग्रेटर में किया था, प्याज, लहसुन, हरी मिर्च और अदरक, ये मैंने इसमें डाल दिया है। और ग्रेटर का भी ना एक अपना टेस्ट होता है, ग्रेटर का किया हुआ काटा पीटी वाला की जगह नहीं आ सकता, पेस्ट की जगह नहीं आ सकता। तो इन सभी का, चाहे वो पेस्ट का टेस्ट हो, जो हम कटिंग करते हैं चॉपिंग करते हैं उसका टेस्ट हो, या चॉपर का हो, या फिर ग्रेटर का हो, सबका अपना अलग अलग टेस्ट आता है, मैंने तो ऐसा महसूस किया है। तो यहाँ पे देखिए, प्याज वगैरह सारी चीज़ें अच्छे से हो चुकी हैं, और अब मैं इसमें डालूँगी मसाले। मसालों में मैं यहाँ पे रंग वाली लाल मिर्च डाल रही हूँ, वो वाली लाल मिर्च नहीं डालूंगी, क्योंकि हरी मिर्च मैंने काफ़ी सारी ली हैं। और साथ में ही मैं इसमें अभी डाल दूंगी गरम मसाला। गरम मसाला इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हमने कोई भी खड़ा मसाला यूज़ नहीं किया है, और टेस्ट भी आ जाता है। तो थोड़ा सा गरम मसाला डाला और रंग वाली लाल मिर्च, और इसको मिक्स कर दिया। हरी वो हो क्या नाम है, नमक और हल्दी हमने डाल दी थी बॉईल करते वक्त,
तो अभी जो है बस इसमें है मुझे डालना है धनिया पाउडर और जीरा पाउडर, वो भी मैं डाल दूंगी। और साथ ही मैंने टमाटर भी डाल दिए हैं और मिक्स कर दिया है और थोड़ा सा पानी डाल दिया है। और यहाँ पे हमारा मसाला हो गया है तैयार। अब हम इसमें डाल देंगे छोले उबले हुए। और छोले जब उबल जाते थे ना, मैं जब शादी नहीं हुई थी मैं कटोरी में लेके खाती थी उबले हुए छोले, बहुत स्वाद लगते थे। किस किस ने खाए हैं बताना। तो यहाँ पे हरा धनिया भी कट करके डाल दिया है और छोले लगभग बन ही चुके हैं, लेकिन मैंने इसमें थोड़ा सा कच्चा पानी डाला है तो इसको थोड़ा सा पकाना तो बनता ही है, 7-8 मिनट करीब। तो इसको वही है कि मैं यहाँ पे पका रही हूँ और साथ के साथ मैं बना रही हूँ रोटी, क्योंकि रोटी बन रही है और आलू बैंगन है जैसे कि। और दूसरी बात ये कि चावल मैं बना तो रही हूँ लेकिन बहुत ही कम दूंगी बच्चों को। वो भी ये था कि बच्चे गुड्डू को था मन, मैं उसको समझाया भी लेकिन उसका मन था, तो मैंने कहा चलो बना देते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ क्या क्या बना है खाने में। वैसे आपको सब पता है लेकिन फिर भी एक बार जल्दी से आपको सारी चीज़ें दिखा देते हैं। तो ये है छोले और ये है बूंदी का रायता, जिसमें अभी ऊपर बूंदी बूंदी दिख रही हैं, अभी हिलाया नहीं है ना इसको इस वजह से। ये है आलू बैंगन और यहाँ पे खीरा काटा हुआ है, प्याज नहीं काटा है। वैसे छोले के साथ प्याज वगैरह भी अच्छा लगता है लेकिन मैंने नहीं काटा। ये है चावल रेडी है एकदम, और यहाँ पे हमारी रोटियाँ तैयार हैं। होट पोट में एकदम गैस सी बन गई है, खुल नहीं पा रहा है। तो ये देखिए ये रोटियाँ हैं और साथ में कुछ नहीं है, बस यही सब है। और ये सब कहने में बड़ा आसान है लेकिन इसको बनाने में 2 से 2.5 घंटा लग जाता है आराम से, अगर आप अकेले हो तो। अगर आपके साथ कोई है तो आप इसको 1.5 घंटे में भी बना लोगे। तो थाली एक बार लगा लिया तो थाली में भी डालकर आप लगा कर सॉरी वो भी दिखा देते हैं, तो आप लोग भी खा लीजिए। देखिए आलू बैंगन कितने टेस्टी लग रहे हैं, और छोले चावल रायता सलाद रोटी सब हमने थाली में डाल दिया है जनाब की, लगा दिया है, सॉरी फिर से गलत बोल रही हूँ। तो अभी इनको देते हैं और अपनी भी प्लेट लगाते हैं और फिर चलते हैं खाना खाने के लिए। बच्चों को भी दे दिया है, बच्चों को तो मैं सबसे पहले देती हूँ, सबसे पहले गुड्डू को, फिर तन्मय को, फिर इनको और फिर खुद लेती हूँ। तो आज हम जो है सब एक साथ बैठ के खाना खा रहे हैं। ये दिन बहुत कम आता है कि जब हम एक साथ बैठ के खाना खाएं, तो ये स्पेशल दिन इसलिए भी हो गया है कि आज हम सब साथ में बैठे हैं। क्योंकि क्या होता है, बच्चों को टीवी देखते हुए खाना है, इनको मैं बनाते बनाते खिला देती हूँ, मैं अपना अकेले खाती हूँ, तो आज सब साथ में बैठे हैं तो इससे बड़ा दिन कुछ नहीं हो सकता है। ये भी एक अपने आप में एक बढ़िया हो गया है। अगर ये डॉटर्स डे ना होता तो बताइए खाते, इसलिए जो है आज हम साथ में बैठ के खा रहे हैं। मैंने पहले ही बोल दिया था गुड्डू को, गुड्डू आज हम सब साथ में खाना खाएंगे, कोई इधर उधर नहीं बैठेगा, डाइनिंग टेबल का भी यूज़ कर लो। और यहाँ पे ना मेरी थोड़ी सी तबीयत बिगड़ने लगी थी, अभी तो मैं ठीक हूँ लेकिन उस टाइम मेरी बिगड़ रही थी तबीयत। और ये केक है जो कि हमारी गुड़िया रानी के लिए आया है ड्यूटर्स डे पे। और छोटी छोटी चीज़ें करने से अगर बच्चे खुश होते हैं तो कर देनी चाहिए, बच्चे खुश होते हैं, बच्चों के लिए तो कर रहे हैं। देखिए जो भी कर रहे हैं, अगर उनको वो खुशी चीज़ें ना दे पाएँ। और ये क्या है, एक केक ले आए और घर में जो रोज़ाना का खाना है वो ही बना है, छोले ही हैं बस स्पेशल, बाकी तो कुछ नहीं। और बच्चे हो गए बहुत ज़्यादा खुश, तो बस हम भी खुश, बच्चे भी खुश, सब खुश, मज़ा आ गया आज। तो यहाँ पे जो है केक काट दिया गुड्डू ने। विपिन बोल रहे थे अरे यार ताली तुली तो बजा दो, मैंने कहा चलो बजा देते हैं। तो उसको चेरी चेरी खानी होती है केक, उसको सिर्फ मेरे हाथ का पसंद है, बाहर का वो बहुत ही कम खाती है। ये सारा बस कौन खाएगा, मैं और विपिन खाएंगे। तो यहाँ पे जो है इसके लिए गिफ्ट भी आया है, वो इसको देंगे। और वो गिफ्ट जी आपका है, नीचे वाला दिख रहा है। हैप्पी बर्थडे। नीचे होना चाहिए था। इतना बड़ा बर्थडे नहीं आया था। मेरा है खुशी हो रही कि नहीं हो रही तुम्हारी तरह है? स्पीचलेस नहीं कर रही दिया जो दिखा सब कुछ से लिखा हुआ जो है नहीं।
दिखा दो ठीक लिखा हुआ दिखा। इतना ये चिपका हुआ है, इसे कल एक खा सकता हूँ। खुशबू आ रही है, ऐसी खुशबू चाहिए। मम्मी इसे आप दिखा सकता हूँ एक कैंडी? नहीं कल खाएंगे, एक कैंडी तो खा लो। तो हमने सेलिब्रेट कर लिया है डॉटर्स डे, फर्स्ट टाइम ही किया है। हर बार बस विश वगैरह कर दिया करते थे, वो भी जब से ये जानने लगी है चीजों को, देखने लगी है, तब से इसको पता चल गया है। और इसने मेरे को एक बार बोला था, मम्मी आज मैंने पूछा ना गुड्डू बता तू क्या खाएगी आज, आज डॉटर्स डे है, थोड़ा इसकी तबीयत भी आज ढीली ढीली हुई है, तो जो जो इसने बोला सब बनाया मैंने। और फिर इसने बोला फिर तो मम्मी केक भी कटेगा। मैंने इसको तो नहीं बोला कि हाँ मैं मंगाऊंगी ये वो, लेकिन विपिन को मैंने फ़ोन किया, उनसे बात की, तो उन्होंने बोला कि ठीक है लेके आएंगे अपनी गुड़िया के लिए। और उन्होंने मुझे ये नहीं बताया था कि मैं गिफ्ट भी लेकर आऊँगा, वो इसके लिए ले आएगी एक मग जिसपे गुड़िया के लिए बेटी के लिए लिखा है। और ये और गुड्डू कितनी खुश है, कितनी खुश है, आप तो नहीं बोलोगे कि हम मुझे प्यार नहीं करते। ये इसका ये बोलती है ना तो मैं इसको बहुत वो करती हूँ, और लड़कियाँ होती हैं, मैं भी ऐसे ही करती थी, लड़कियाँ करती हैं, लेकिन मैं इसको समझाती, जैसे तन्मय के लिए कुछ आएगा, पहली बात तो उसके लिए बहुत कम आता है, इसी के लिए आता है, अभी भी ऑनलाइन इसके लिए ऑर्डर किया हुआ है, लेकिन फिर भी जैसे उसका बर्थडे था, इसके लिए ऐसे कर रहे हो, उसके लिए ऐसे कर रहे हो, इसके बर्थडे पे माँ जी आई, बाबा जी आए, मेरे बर्थडे पे कोई नहीं आता, तो इसको ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं इस दुनिया जहान की खुशियाँ लाकर इसके कदमों में रख दूँ, और हर बेटी का नसीब भगवान अच्छा करे, हर बेटी को बहुत खुशियाँ मिले। मेरी है, दे। तन्मय को भी है भाई, तन्मय का भी करेंगे हम, संडे आएगा ना, संडे आता है ना, ब्रदर्स डे होता है ना, तो ब्रदर्स डे करेंगे हम तन्मय का। अब मेरे लिए क्या लाओगे? जो आप बोलोगे। तो फिर मुझे जाना पड़ेगा, मुझे चाहिए। आप सबको बोल दो मैं ठीक हूँ, आप? मैं ठीक हूँ। और तन्मय को इतना बुखार हुआ, 104 तक इसका बुखार गया, 102, 103, 104 और ऐसे भाग रहा था जब हम चेक कर रहे थे, और अभी ये बिल्कुल ठीक है। कल रात से इसको बुखार नहीं हुआ है, कल रात में लास्ट बार इसको 9-10 बजे के करीब हुआ था, दवाई वगैरह हमने प्रॉपर दी, आज भी दी, और अभी ये ठीक है, अब जान में जान आ गई है। जबकि मुझे भी कुछ चीज़ें हो रही हैं मेरी बॉडी में भी, मुझे सारे चेकअप कराने हैं। विपिन किस दिन कराएंगे? एक तो इनके एग्जाम चल रहे हैं, अब गुड्डू की एग्जाम छुट्टी पड़ जाएगी, तो इसकी आई का, आंखों का कराना है, आई टेस्ट वगैरह होगा दोबारा से। और ये देखो अभी अभी ना मुझे ये चीज शुरू हो गई एकदम से, बहुत ज्यादा इधर की साइड किचन में मैं रोटी बना रही थी। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा इस तरीके से छोटी छोटी चीजें जब हम सेलिब्रेट करते हैं। बहुत ही ऐसे भी नहीं किया हमने ये वो, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा था। और खाना तो खैर देखिए चलिए बन ही जाता है, छोले वगैरह बना ही लेते हैं 10-15 दिन में। आलू बैंगन की सब्जी भी कोई वो नहीं थी, लेकिन ये मेरी गुड्डू को पसंद है, आलू बैंगन दोनों बच्चों को बहुत पसंद है, तो दोनों खुश हो गए हैं। स्पेशल दिन था आज, स्पेशल बन गया है, खुश है ना, आप भी खुश हो ना, सबको पुच्ची कर दो, ऐसी कर दो सब, कितना ख्याल कर रहे थे सब आपका, व्हाट्सएप पे भी मैसेज आ रहे थे तन्मय के लिए, सब प्यार करते हैं, आई लव यू टू बोल दो सबको, आई लव यू टू, आई लव यू थ्री, पुच्ची कर दो, चलो फिर बाय बाय। और सच में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे, मेरे परिवार को इतना प्यार देने के लिए। मैंने जब देखा तन्मय के लिए इतने भर भर के व्हाट्सएप पे मैसेज और कमेंट बॉक्स में तन्मय के लिए मैसेज, सब मुझे बता रहे थे ऐसे करो वैसे करो, ये है वो है टेस्ट कराओ, तो सच में बहुत लकी हूँ मैं कि मुझे आप सब मिले हैं। तो चलिए बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट करो, गुड नाइट, गुड नाइट, चलो फिर अंदर चले। हाँ मम्मी एक टाइम नहीं तो खा लो।